एक ऐसा तालाब जिसमें आज भी करते हैं भगवान विष्णु वास, जिसमें शेष नाग के ऊपर भगवान विष्णु विश्राम करते हुए सबको नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं इस खास मंदिर के खास रहस्य के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को भगवान विष्णु के बारे में कुछ अजीबोगरीब बात बताने जा रहा हूं। तो पूरी जानकारी के लिए देखते रहें हमारे इस वीडियो को। दोस्तों, आज से पहले आप लोगों ने कई ऐसे मंदिरों के बारे में सुना होगा जिनकी मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान वहां वास करते हैं। लेकिन कभी आपने क्या यह सोचा है कि भगवान का बसेरा किसी तालाब में भी हो सकता है? जी हाँ, आप सही वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ। आप सब इतना तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का आसन क्षीर सागर में शेष नाग की सैया है, लेकिन कलयुग में भगवान एक तालाब में निवास करते हैं। इस बात पर शायद ही किसी को विश्वास होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस खास वीडियो में इस खास तालाब के बारे में जहां पर भगवान विष्णु वास करते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनकी सुंदरता हमें उनकी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन आज हम भारत की नहीं बल्कि नेपाल के काठमांडू से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह मंदिर नेपाल के शिवपुरी में स्थित है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि यह सबसे सुंदर और अद्भुत मंदिर है। यहाँ मंदिर में विष्णु जी की सोती हुई प्रतिमा विराजमान है। माना यह जाता है कि इस मंदिर में विराजमान प्रतिमा की लंबाई कुल मिलाकर 5 मीटर है और इस तालाब की लंबाई 13 मीटर है। यह तालाब ब्राह्मणी समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस मूर्ति को देखने पर इसकी भव्यता का एहसास होता है। तालाब में स्थित मूर्ति शेष नाग की कुंडली में विराजित है। विष्णु जी के पैर बाहर हो गए हैं और बाकी के गेरा सर उनके सर से टकराते हुए दिखाई देते हैं। विष्णु जी के 4 हाथ उनकी देवता को दर्शाते हैं। बता दें, पहला चक्र मन का प्रतिनिधित्व करता है, शंख चाल तत्व, कमल चाल ब्रह्मांड और गदा प्रदान ज्ञान को दर्शाता है। और दोस्तों, यहाँ सिर्फ भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि भगवान शिव भी विराजमान हैं। जहाँ भगवान विष्णु प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में विराजमान हैं, वहीं भगवान शिव पानी में अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है बूढ़ा नीलकंठ मंदिर का पानी गुरसाए कुंड में उत्पन्न हुआ था। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगस्त में होने वाली वार्षिक उत्सव के दौरान झील के पानी के नीचे शिव की एक झलक देखने को मिलती है। जी हाँ, यह एक अलग ही रहस्य है। कभी भी अगस्त के मौसम में आप जाते हैं तो शिव जी की छवि आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसके पीछे एक खास पुरानी कथा है। उस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र से विष निकला था, तो सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसके कारण उनका कंठ यानी कि गला नीला पड़ गया था। इस कारण भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। जब विष पीकर शिव जी का गला जलने लगा तो वह काठमांडू की सीमा की ओर गए और फिर उन्होंने त्रिशूल पहाड़ की ओर चलाया, जिससे इस झील का निर्माण हुआ था। उसी झील के पानी से उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और इस कलयुग में नेपाल में उस झील को गुरसाई झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कभी आपको भविष्य में नेपाल जाने का मौका मिले तो आप बूढ़ा नीलकंठ मंदिर जरूर जाइएगा।